देखिए, भाजपा सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसी का घर गिरा दिया जा रहा है, किसी के पशुपालकों के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न चल रहा है। कल पशुपालक भाई जो अपने घरों में दूध बेच करके अपने घर के बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, कल उनकी घरों से खूंटे में बंधी हुई भैंसों को नगर निगम ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में उठा लिया है, चोरी कर लिया एक तरीके से, मैं तो कह रहा हूँ, और जिसमें 5 भैंसे इनकी गायब भी हैं। और जब ये नगर निगम में आज यहाँ पर जुर्माना भर करके जिस तरीके से इन्होंने पर्चा कटा करके अपनी भैंसों को वापस लेने के लिए जब यहाँ पर आए, तो इनको बता दिया जाता है कि आपकी भैंसें नीलाम होंगी मंगलवार को। तो ये तुगलकी फरमान जारी करके भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है, और इस तानाशाही का विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से करते रहे हैं, और फिर से हम लोग आज धरना के माध्यम से आज कर रहे हैं। पूरा पशुपालक संघ इलाहाबाद का आज यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से पशुपालकों का उत्पीड़न हो रहा है, नगर आयुक्त महोदय से वार्ता फोन नहीं उठा रहे हैं, पशुधन अधिकारी से वार्ता हुई है, और हम लोग यहाँ पर तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक अंदर बंदी हमारी 8 भैंसे नहीं छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि ये तानाशाही है। कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि आप हमारी भैंसे पकड़ेंगे और बगैर नोटिस दिए किसी भैंसों का नीलाम कर देंगे? करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।